हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माहिदा टेकी। तो आज बात करने वाले हैं फायरबॉल की ब्लीजर्ड स्मार्ट वॉच के बारे में। तो काफी धूम मच रही है इस वॉच की भैया, बहुत लोग एक्साइटेड हैं इसको लेने के लिए। फोटो दिखा के भी अगर हम वीडियो डाल रहे हैं उसमें भी दबा के व्यूज आ रहे हैं, काफी लोग एक्साइटेड है इसके लिए। तो पूरा डिटेल में अपने तरीके से ठोक बजा के इसका रिव्यू करके दिखाया गया इस वीडियो में, और इसका गिव अवे भी चल रहा है हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, तो वहां जाके आप इसके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फटाफट से यार, जरा खूबसूरत सा बॉक्स है, इसको हम खोल के देख लेते हैं। आपने देख तो लिया होगा डब्बे पे क्या क्या लिखा होता है। गुड, इस तरीके से जो है स्मार्ट वॉच जो है बॉक्स के अंदर रखी हुई मिल जाती है हमको, और ये ट्रिपल ट्रिपल इसमें प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल रही है, जो मतलब काफी ज्यादा पेपर वर्क का यूज किया गया स्मार्ट वॉच में। उसके साथ साथ एक गाना की एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाता है 3 मंथ्स का, साथ के साथ बुक माई शो का वाउचर भी आपको देखने को मिलता है, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी दिया गया है, साथ के साथ बोल्ट की एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है। सबसे अच्छी सरप्राइजिंग चीज इसमें ये स्ट्रैप को एडजस्ट करने वाली किट भी दी गई है, जिससे आप खुद ही जो है स्ट्रैप की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। कम दिखाना है, ज्यादा करना है, मतलब अपनी रिस्ट के हिसाब से आप उसका एडजस्ट कर सकते हैं खुद ही, बिना किसी वॉच की शॉप पर गए हुए। और साथ में देखने को मिल जाती है मैग्नेटिक पोगो पिन चार्जिंग केबल, जो कि काफी बढ़िया है। इसके अंदर साथ साथ आपको यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाता है, और आपको पता है कि फायरबोल्ट का जो यूजर मैनुअल है कितना डिटेल में होता है। और ये वाली स्मार्ट वॉच इस बार चलने वाली है DFIT एप्लीकेशन पर, तो मतलब एक्सपीरियंस मुझे लगता है अच्छा ही देखने को मिलने वाला है एज कम्पेयर टू अदर एप्स। अब वॉच को देखो जरा भैया, कितनी प्रोटेक्शन है। एक थैली, फिर स्टिकर डिस्प्ले के ऊपर, फिर स्ट्रैप के ऊपर भी थैली लगी हुई है, बैक साइड पे भी पूरी इन्होंने लगाई हुई है थैली, ताकि कोई डैमेज ही ना हो। इसके अंदर आपको 1.28 इंचेस का HD TFT डिस्प्ले जो है देखने को मिल जाता है, जिसका रिजोल्यूशन है 240x240 पिक्सल्स का। बॉडी जो है पूरी की पूरी स्टील की बनी है, और सेरेमिक का उपयोग किया गया है इसके अंदर, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी तगड़ी है, और एंटी कोरोजन वाला स्टफ है इसके अंदर, मतलब यहाँ पे जंग वंग आसानी से नहीं लगने वाला है। उसके अलावा 3 बटन देख सकते, और ये जो बटन है ये पूरे नहीं दबते हैं, ये ऊपर पुश बटन दबाया गया है, देखिए ऊपर ऊपर से दबेगा, बाकी पूरा बटन नहीं दबेगा, बाकी जो है इसका पूरे का पूरा केसिंग है। इसके अलावा बैक साइड भी है, जो इसकी पूरी की पूरी देखिए ग्लास फिनिश में दी गई है, जो कि काफी अच्छी लग रही है देखने में, और स्ट्रैप भी इसका पूरे का पूरा स्टेनलेस स्टील का है, तो बिल्ड क्वालिटी में काफी जबरदस्त काम किया और लुक्स में। उसके अलावा फंक्शनल क्राउन बटन भी देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप वॉच फेसेस को भी चेंज कर सकते हैं, और साथ के साथ जो आपके बाकी मेन्यू वगैरह रहते हैं, फीचर्स वगैरह होते हैं, उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो वेट है, मैंने क्योंकि स्ट्रैप की लेंथ को एडजस्ट कर रखा है, इसलिए 118 ग्राम्स आता है, वैसे इसका एक्चुअल वेट 130 ग्राम्स के आसपास है। पहन के तो देखिए है ही जबरदस्त, मतलब कितनी जबरदस्त लुक्स इस वॉच की निकल के आती है, और रजिस्टर वगैरह का रिस्पॉन्स भी आप देख ही रहे होंगे, काफी तगड़ा आ रहा है। एक बार दोबारा चेक करके देखते हैं, देखिए हल्का सा रिस्ट को आप टिल्ट करते हैं तो डिस्प्ले जो है वॉच का ऑन हो जाता है, तो ये भी काफी तगड़ा है। ये वॉच भी जो है छोटी रिस्ट पर जो है थोड़ी सी बड़ी लगेगी, मीडियम और बड़ी रिस्ट के लिए काफी सही है। बाकी हार्ट रेट मॉनिटर करके देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 पॉइंट्स का रीडिंग का फर्क आ रहा है, और अब जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, 2 से 3 पॉइंट का फर्क है, और ये जो है अब रीडिंग स्टॉप हो गया। इसको दोबारा चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए 3 से 4 पॉइंट का रीडिंग का फर्क जो है लगातार बना हुआ है, मतलब हार्ट रेट की एक्यूरेसी इसकी ठीक ठाक ही है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कभी कभी बढ़ के 5-6 पॉइंट का हो जाता है फर्क, और देखिए अब तो 8 पॉइंट का फर्क है, और कभी कभी जो है इक्वल आ जाती है रीडिंग। SpO2 की रीडिंग भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आउटडोर विजिबिलिटी की बात कर दोस्तों, देखिए ये डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी क्लियर विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, और शेडो के अंदर तो ऑब्वियसली दिख ही रही थी। तो ब्राइटनेस की बात करें, मुझे लगता है इसमें 450 निट्स की ब्राइटनेस हमें देखने को जरूर मिल रही होगी। डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की बात करें दोस्तों, तो ये वॉच आती है IP67 पे, मतलब 1 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं। हैवी रेन एंड हैवी स्प्लैश से आपको बचा के रखना पड़ेगा, स्विमिंग के लिए भी ये आइडियल नहीं है। फीचर्स की बात करें दोस्तों, देखिए ऊपर से नीचे स्वाइप करते तो आपको सेटिंग्स, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, ब्लूटूथ कॉलिंग, पावर सेवर मोड और फ्लैशलाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो ऊपर को स्वाइप करते तो आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। लेफ्ट को स्वाइप करने के बाद देखिए आपका वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद ब्लूटूथ कॉलिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, बाकी पूरे दिन की एक्टिविटी की डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद जो है हार्ट रेट का डेटा आप देख सकते हैं, साथ के साथ जो है वेदर अपडेट्स आ जाते हैं, उसके साथ साथ रिमोट कैमरा कंट्रोलर, म्यूजिक प्लेयर, और साथ के साथ ब्रीथ मोड भी देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी यहाँ पे देख सकते हैं, और SpO2 मॉनिटर का ऑप्शन भी दिया गया है। राइट साइड को स्वाइप करते ही आपके सारे बाकी के मेन्यू के फीचर्स आते हैं, जैसे कि मैसेजेस, स्टेप का डेटा, स्लीप ट्रैकिंग की डिटेल्स, ट्रेनिंग मतलब स्पोर्ट्स मोड हो गए, हार्ट रेट मॉनिटर, BP मॉनिटर, SpO2, वेदर अपडेट्स, रिमोट कैमरा कंट्रोलर, म्यूजिक प्लेयर, साथ के साथ ब्रीथ मोड, मतलब जो ऑप्शन सारे बाहर थे अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बिल्ट इन गेम्स भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, 2 गेम्स हैं, एक चिड़िया उड़ोर, एक 2048। उसके अलावा फ्लैश लाइट है और सेटिंग्स। तो अब हम सेटिंग्स के अंदर अगर जाते हैं, तो यहाँ पे अगेन हमें गेम्स देखने को मिल गई है, वही दोनों के दोनों, पता नहीं दो बार क्यों आ रही है। फिर स्टॉप वॉच है,
अलार्म देखने को मिलता है, अलार्म इसमें बस इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, टाइम चेंज करने का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। उसके अलावा टाइमर है, कॉल को रीसेट करने का ऑप्शन, मेन्यू व्यूज, दो टाइप के मेन्यू ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, थिएटर मोड है, रीसेट, पावर ऑफ, बाकी सारे जनरल ऑप्शन है। स्पोर्ट्स मोड की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर 120 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी इसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा है, तो ये मतलब अगर किसी की आईज वीक है तो उसके लिए काफी अच्छा होगी, जैसे अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए अगर आप लेना चाहें। और प्लस का बटन दबाते हैं तो बाकी के स्पोर्ट्स मोड आप यहां से जाके जो अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको ऐड कर सकते हैं। अब किसी भी स्पोर्ट्स मोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, इसमें गोल्स कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलता है। और स्टार्ट होने के बाद देखिए आप स्टेप्स, कैलोरीज का डेटा, डिस्टेंस और हार्ट रेट का डेटा देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हार्ट रेट किस जोन में आपका फॉल कर रहा है वो आ जाता है। और यहाँ पे प्लेयर पॉज का, तो मतलब म्यूजिक कंट्रोल नहीं कर सकते ड्यूरिंग द वर्कआउट। स्टेप काउंट एक्यूरेसी की बात करें, देखिए जब मैं 200 स्टेप चला तो इसने 199 काउंट किए, 400 पे इसने 397 एंड फाइनली 500 स्टेप्स पे इसने 499 काउंट किए। तो स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी यहाँ काफी अच्छी निकल के आती है। वॉट फेसेस की बात करें दोस्तों, बिल्ट इन 5-6 वॉट फेस देखने को मिल जाते हैं, थोड़े अलग टाइप के, लेकिन ऐप के अंदर जो है बाकी सारे वही डीएफिट एप्लीकेशन वाले वॉट फेसेस हैं। 200 के करीब टोटल वॉट फेसेस में देखने को मिलते हैं। कस्टम वॉट फेस का सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है, तो वॉट फेसेस में ये नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ अलग आपको देखने को मिल रहा है, सेम वही डीएफिट वाले ही वॉट फेसेस दिए गए हैं। हेलो, हाँ जी, मैं वॉच की टेस्टिंग कर रहा हूँ, आवाज़ कैसी आ रही है? ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक आ रही है, मतलब कोई धीरे तो नहीं है या ब्रेक तो नहीं हो रही आवाज़? नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर आ रही है, लाउड है? हाँ, बहुत लाउड है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, ओके बाय। नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए हिंदी नोटिफिकेशन टूटा फूटा सा दिखाई देता है, और इंग्लिश नोटिफिकेशन की बात करें यहाँ सबसे अच्छी बात है कि फॉन्ट साइज काफी बड़ा है और 12-13 लाइन का व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं। अब बारी आती है मेन चीज बैटरी बैकअप की, तो देखिए इसमें 220 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है और टीएफटी डिस्प्ले, तो 1-2 दिन चलेगी आपकी रेगुलर कॉलिंग के साथ में। मैंने देखा था बैटरी काफी जल्दी ड्रेन हो रही थी, और 3-4 दिन चल जाएगी जब आप कॉलिंग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बस आप इसको नॉर्मली यूज करेंगे। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, काफी धमाकेदार स्मार्ट वॉच लग रही है। सबसे पहले कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं, तो अच्छी बात तो इसकी जो डिजाइन है, लुक्स है और बिल्ड क्वालिटी है जबरदस्त है, मतलब काफी तगड़ी दिखने वाली है जब भी आप इसको पहन के निकलेंगे। इनफैक्ट मेरे कितने सारे फ्रेंड्स को मैंने इसका लिंक भी शेयर किया है, अभी एक पार्टी में मैं डाल के गया था स्मार्ट वॉच को, लोग हैरान हो गए। और सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें तभी जब पता चला कि एक स्मार्ट वॉच है, सब लोग सोचते थे कोई एनालॉग वॉच डाल के है, जैसे ही बताया स्मार्ट वॉच है सब लोग इसको हिल गए थे देख के। बात इसमें लगी कि इसमें डीएफिट एप्लीकेशन का सपोर्ट है जो कि थोड़ी स्टेबल एप्लीकेशन है, प्लस उसके सारे फीचर जो अच्छे से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उसको यूज करने में। बाकी सेंसर्स की एक्यूरेसी हमने देखा, स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी अच्छी निकल के आई थी, हार्ट रेट की रीडिंग जो थी 3-4 पॉइंट्स का फर्क आ जाता था कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा वेग रीडिंग्स आ रही हो, ऑलमोस्ट एक्यूरेट डेटा देखने को मिल रहा था। अब वो बातें जो इसमें अच्छी हो सकती थी मेरे हिसाब से, इसमें जो डीएफिट का पुराना यूआई मुझे देखने को मिला है राउंड शेप वाली वॉचेस में जो देखने को मिलता है वो बढ़िया हो जाता और अच्छा था। और एक और रिक्वेस्ट है फायरबोल्ट से कि भैया इसके अंदर आप एमोलेड डिस्प्ले दे देते या कोई हाई रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देते, पैसे 1000 रुपए फालतू भी ले लेते ना लोग, तब भी इसको जरूर खरीदते, क्योंकि ऐसी लुक जो है कोई स्मार्ट वॉच ऑफर नहीं करती है। क्योंकि काफी लोगों के मेरे पर कमेंट आ रहे थे कि यार इसमें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही नहीं है, तो मजा खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये छोटी छोटी कमी अगर पूरी हो जाती तो फिर तो इसको टक्कर देना बिल्कुल ही नामुमकिन था। बाकी और अच्छे से यूज करेंगे स्मार्ट वॉच को और आगे आपसे फीडबैक शेयर करेंगे। फिर भी आप कोई क्वेश्चन कॉमेंट या सुझाव इस वॉच से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। गिव अवे के लिए इंस्टाग्राम पे हमने एक पोस्ट डाला हुआ है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप उस पर कमेंट करिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए, प्लस मेरा जो नया चैनल है प्राइमर वेरिएबल उसको भी आप फॉलो करिए, और उसमें डेट वगैरह सब बता दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह की भैया कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना और कब जो है गिव अवे के विनर्स अनाउंस होंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बाय बाय।